हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसिप गाइड जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे आर्मी सेंटर की ओर से आने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में जी हाँ दोस्तों आर्मी सेंटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है इसके द्वारा एक शोर्ट नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है जिसमें स्ट्रेट के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई मेटेरियल असिस्टेंट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट सिविल मोटर ड्राइवर टेली ऑपरेटर

केयर ऑफ आर्मी ऑर्डिनेंस कोप सेंटर सिकंदराबाद के ओर से रिक्रूटमेंट है निकाला गया यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हो अप्लीकेशन फॉर्म है एलिजिबल कैंडिडेट यहाँ पे ग्रुप सी के पदों के लिए मांगे गए हैं और यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है निकालेगी सीधी भर्ती के थ्रू यहाँ पे कैंडिडेट को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा सबसे पहले तो वैकेंसीज पे देखते हैं अपने है। इनको उन्तीस हजार दो सौ से लेकर तिरानवे हजार तीन सौ की सैलरी की जो स्केल है वो दी जाएगी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पे सत्ताइस वैकेंसी है इसमें भी कैंडिडेट को उन्नीस हजार नौ सौ से लेकर तिरसठ हजार दो सौ रूपये की स्केल है वो देखने को मिलेगी सिविल मोटर ड्राइवर की बात करें इसकी चार वेकेंसी है इसको भी उन्नीस हजार नौ सौ से लेकर तिरसठ हजार दो सौ रुपए है वो दिए जाएंगे उसके बाद में टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की बात करें तो इसकी यहाँ पे आप देखोगे तो चौदह वैकेंसी है लेवल टू में इसमें भी अपॉइंट किया जाएगा उसके बाद फायरमैन की दो सौ सैंतालीस वैकेंसी है इसमें लेवल टू उन्नीस हजार नौ सौ से लेकर तिरसठ हजार दो जो, जो स्केल है उसमें कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा कारपेंटर जो के साथ वैकेंसी निकाली गई है सैलरी की स्केल लेवल टू यहाँ पर रहेगी पेंटर एंड डेकोरेटर की पांच वैकेंसी है लेवल टू में अपॉइंट किया जाएगा

ये अब रीजन वाइज ब्रेकअप आप देखेंगे तो ईस्टर्न रीजन जिसमें यहाँ पे आसाम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर आते हैं इसमें कौन कौन से पदों के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी फिर वेस्टर्न रीजन दिल्ली पंजाब हिमाचल प्रदेश हरियाणा के लिए जो वैकेंसी है वो है नॉर्दर्न रीजन में जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख इसमें किन किन पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई वो डिटेल्स है साउथर्न रीजन में महाराष्ट्र तेलंगाना तमिलनाडु है और साउथ वेस्टर्न में राजस्थान गुजरात है सेंट्रल वेस्ट में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उसके बाद सेंट्रल ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल झारखंड और सिक्किम है जिसमें अलग अलग पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी वेकेंसी निकालेगी आप जिस रीजन से रीजेंसी फॉर्म सबमिट करना चाहते हो तो उसमें आप वैकेंसी जरूर चेक कर लेकिन सबमिट करने के लिए जाइए दोस्तों अपलिकेशन फॉर्म डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एओसी रिक्रूटमेंट डॉट जी ओ वी डॉट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकते हो और अपलिकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है तो ये जो अप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होगा ऑनलाइन तो इसकी इक्कीस दिन के अंदर अंदर आप इसका अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो लेकिन अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आउट नहीं हुआ पहले इसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट होगा उसके बाद में आपसे अप्लीकेशन फॉर्म वो यहाँ पे मांगे जाएंगे उसके बाद में जो अप्लीकेशन फॉर्म वो ऑनलाइन मोड में यहाँ पे एक्सेप्ट है किए जाएंगे और इसमें इस कैंडिडेट इस को इसका प्रिंट आउट को भी की हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है कैंडिडेट को सबसे पहले तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टर्म एंड कंडीशन है वो चेक करने हैं जो कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे तो दोस्तों जो दो भी कैंडिडेट इन पदों के लिए रिक्रूटमेंट के इन पदों को रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट्लीकेशन तो फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे अच्छा मौका है डिफेंस सर्विस में जाने का डिटेल नोटिफिकेशन आउट होने के बाद इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है उसके ऊपर भी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा वो भी अपन डिस्कशन करने वाले दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं धन्यवाद